Mr. Rawat, please. Mr. Rawat, please. Let me hear Mr. Mulayam Singh ji. Upadhyaksh Mahoday, हमारे विपक्ष की कोई इसमें रणनीति नहीं है, ये देश का मामला है, देश का सवाल है और केवल इंसानियत का सवाल नहीं, और इसलिए इस पर सत्र को, सदन को, पूरे हाल को गंभीर होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई उनके मिली जुली सरकार के घटक हों, चाहे हमारे सब हों, हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अगर राजनीति करने का मौका ये देंगे तो करेंगे, हम अपनी तरफ से राजनीति कोई करना नहीं चाहते। लेकिन अफसोस इस बात का है, भले ही नेता विरोधी दल ने कहा हो कि स्टेटमेंट आप दे दीजिए या कोई कांग्रेस पार्टी के सिंधिया साहब ने कहा हो, लेकिन जहाज में बाकायदा प्रधानमंत्री जी से हमने, सोमनाथ चटर्जी, ममता बनर्जी जितने लोग गए थे, ये तय हो गया था कि सोमवार को देंगे, हम शुक्रवार को होंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब सबकी राय हो गई, खड़े होकर के भी चले तो हम सोमवार को देंगे। हम नहीं थे, हम उस डेलीगेशन में थे, एरन साहब बैठे हुए, सोमवार तय हुआ है और सबका तय हुआ कि सोमवार को देंगे। हम अपना टिकट लिए चले गए लखनऊ, टिकट बदल कर, ये टिकट बदल करके चले गए दूसरे कार्यक्रम में और यहाँ पर बयान दे दिया गया, जबकि कह देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि वहाँ जब हम गए थे डेलीगेशन में तो मुलायम सिंह का भी ना लेते, आदरणीय सोमनाथ जी का लेते, नायडू साहब का लेते, सबका लेते कि इन्होंने सोमवार की मांग की है। तो अगर कांग्रेस के मित्र समझ जाते तो हमें विश्वास है कि लोग दबाव नहीं देते, लेकिन आपने बयान भी दे दिया। हम बोलने के बाद They have made some agreement. They have made some agreement. We have made some agreement. अगर इस तरह की हरकत करें कोई बात इनको समझाइए तो इतिहास नहीं जानता हूँ। सिंस दिस इज डायरेक्टेड तो बाद में कह लेती तो क्या था। एंड टू माय कोलीग गुलाम नबी आजाद हु वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, आई वुड लाइक टू क्लियर दिस पॉइंट, एट नो टाइम वर वी कंसल्टेड ऑन दिस डिसीजन, एट नो टाइम वर वी कंसल्टेड। आई मेड इट क्लियर दैट आई एम नॉट ब्लेमिंग The leader of the opposition of the Communist Party. They may not have been known, but with the Prime Minister, that understanding was there. ये That's what I said. नहीं, कितनी विडंबना है। मैंने कांग्रेस पार्टी में कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि इनको पता हो जाता तो हमारे मित्र लोग दबाव नहीं देते। मैंने आरोप नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया। आप इस तरह का हमको करते हो, महाराज के चक्कर में लग रहे हैं। अगर ये करोगे तो मैं बोलूंगा, प्लीज कौन जिम्मेदार है। मुलायम सिंह जी, अगर इस तरह की कांग्रेस पार्टी व्यवहार करेगी, यस मल्होत्रा जी, हम कश्मीर की समस्या लेकर के और पटेल साहब और नेहरू जी से लेकर के पूरी फोल खोल दूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, ये राजनीति नॉट कम्प्लीटेड, इतना महत्व है। अब ये ले साहब, आप बहुत डालेंगे, क्या बात करते हैं आप हर वक्त। आज परेशान ये है, जो घायल हैं उन घायलों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं, और जब बहस अभी होना है, रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है और भी अन्य नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो जहां तक जुडिशरी का सवाल है, जब मामला जुडिशरी का लटकाना है, 7-2 साल होगा, बयान बदल जाएंगे, मरेंगे लोग गवाह, और उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा कि इसमें कार्रवाई हो या न हो, ये लटकाने वाला मामला है, लंबा खींचने वाला मामला है। जब 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 रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, जब और भी बहस में आएंगे तो स्वीकार करेंगे, जब स्वीकार कर लिया है तो न्यायपालिका की जांच की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। इसलिए बहुत सारे ऐसे समस्या है कि हो सकता सदन में बहस हो, और एक बहस होगी देश के सवाल पर, तो एक ऐसा माहौल पैदा हो, सर्वसम्मति हो सकती है
कि आखिर कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है। कहा भूलें हो रही हैं, यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, वो अलग है। और ये चतुर्वेदी उनके घायल होने का सवाल है, लेकिन कंप्लीट कौन जिम्मेदार है? आज बिना जांच किए हुए लेटिन कंप्लीट व्हाट एवर इट, अगर ये तय करना है व्यू पॉइंट, लेकिन अगर तय करना है तो फिर बोल के देख लेना, कोई भी एक का भी होता है। हाँ प्लीज नाउ कंप्लीट, इसलिए क्या आप कैसे रोक लोगे मुझे? अरे प्लीज पूरिया, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हाँ बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहे हैं, कर दो हमारा जो करना हो, मैं धमकी देता नहीं, जो मानते तो दे रहे हैं। तो ये क्या है, इनको क्या पड़ी, हम कह रहे हैं उनसे। नो मैं मिस्टर मुलायम सिंह, यू प्लीज एड्रेस टू द चेयर, नॉट देयर, आप ही न्याय क्या करो। मिस्टर मिस्टर मुलायम सिंह, मुलायम सिंह जी प्लीज डोंट, इस पे बाकायदा बहस अभी शुरू कर देना चाहिए, सारे काम छोड़ करके, जिससे आज घायलों को मदद नहीं और जो मौतें हुई हैं उनको कोई मुआवजा नहीं, उनके परिवार को कोई संतोष नहीं, और कहाँ कहाँ गलती कहाँ कहाँ भूलें, अगर इस देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, पूरे हाउस को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, अगर चोरी चोरा हेजबोल से बातचीत होगी, चुनी हुई सरकार है उसको भी विश्वास में नहीं लिया जाएगा, झेलम में स्वायत्तता के सवाल को लेकर के कहा गया कि नहीं माना जाएगा तो झेलम में खून बहा दिया जाएगा, और उसको भी ये कहेंगे कि ये संविधान की परिधि में है, अगर संविधान की परिधि में खून बहा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब चुनी हुई जनता की सरकार है, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उनको भी साथ में नहीं लेंगे, देश को सवाल में नहीं लेंगे, और एक आतंकवादी उसको युद्ध विराम करता स्वागत करते हैं, उनकी शर्तों पर प्लीज नाउ कंक्लूड, कितने भाषण नहीं करना, शर्तों पर होगा उसका स्थान तय होगा, उसी की शर्तों पर उसी स्थानों पर तारीख तय होगी, ये सारा होगा। देश जानना चाहता है, पूरा हाउस जानना चाहता है कि क्या क्या शर्तों में बातें रखी गई हैं, आप उसी के कहने पर स्थान तय करेंगे, तारीख तय करेंगे, आप स्वागत करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेगा, अन्य भी और घटक हैं, तो ये सारी बहस होगी, जब बहस जब होगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा, आज हमारे देश की गंभीर समस्या है, इसलिए हम चाहते हैं अभी तत्काल सारा काम रोक करके बाकायदा दोबारा प्रधानमंत्री बयान दें और यहाँ बहस शुरू करें।